एक मसला समझो, दुध नू अल्लाह ने पेट मझ दा पेट जेड़ा है उन्हों इन्ये समझो जो एक जहान है। क्या है? जहान है। उस दुश्मन भी रांदे ते सज्जन भी, बोलो ना। एक गोबर जेड़ी है दुध दी दुश्मन है कि सज्जन है? दुश्मन ही है ना। मूत्र हो गया ये भी दुश्मन हो गया, खून हो गया ये भी दुश्मन हो गया। मतलब क्या है कि कमाल तां है कि जितने दुश्मन ढेर होवे फिर भी बंदा खालिस होके नितर के रहे। जेड़ा रल्ले आला होंदा है वो हराम दा होंदा है, हलाली वो होंदा है, हर दुश्मन नाल टक्कर ला लेंदा है, मगर अपने खालिस होवन दे अंदर रत्ती बराबर भी रल्ला बर्दाश्त नहीं करेगा। लबनन खालिस हल। फिर तीसरा मसला अल्लाह ने यह समझाया है कि देखो गोबर भी पलीत है, खून भी पलीत है, मूत्र भी पलीत है, इन्ना त्रेहा पलीतियां को अल्लाह एक पाक विचू बहर कढ़िया है। वह दुध खालिस है, ना गोबर का हमला होवर दिता है, ना खून की पलीती का हमला होवर दिता है, ना मूत्र का रला होवर दिता है। अल्लाह ने मसला समझा दिता। मेरा मुहम्मद भी ही हो जाए दुश्मन दे विच नबुव्वत और रिसालत दा एलान लेके आया है, ओदे यहूदी भी दुश्मन, मुशरक भी दुश्मन, ते नाल नाल मजूसी ते ईसाई भी दुश्मन, ए सारे पलीत हन। जिवें दुध ते कहे पलीत दा नहीं असर होया, इंजे मेरे मुहम्मद ते कहे पलीत ते जादू दा असर भी नहीं हो सकदा। जिवें दुध सारिया पलीतियां कोलो पाक है, इंजे मेरा मुहम्मद भी सारे पलीतां दे ऐब कोलो पाक सा बन। तकबीर अल्लाह। जिवें दुध ते